हमें इसको इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि मोमोज़ के लिए रेडी हो रहा है फिलिंग के लिए, तो आगे भी मोमोज़ के साथ ही पकना है इसको, तो इसको ज़्यादा पकाई नहीं करेंगे। इसका पानी बिल्कुल खुश कर लेंगे हम, तेज़ आँच करके इसका पानी बिल्कुल खुश कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। सही है, ये देखिए व्यूअर्स, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल ऊपर आ रहा है। अब इस पॉइंट पर हरी प्याज प्याज डालेंगे, क्योंकि शुरू में डालेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, इसलिए हरी प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और चूल्हे से पतीली उतार देंगे। ये पानी हमने चढ़ा दिया है स्टीम के लिए, मोमोज स्टीम होंगे तो इसके लिए पानी पहले से हमने चढ़ा दिया है, और इसकी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है। अब हम डो की तरफ जाते हैं, डो का देखते हैं क्या सिचुएशन है डो की। माशाल्लाह से डो हमारी राइज हो गई है। सही है, अब हम जो है मोमोज के लिए हम बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी सी जो हमने चेडर चीज़ ले ली है वो भी इसमें शामिल करेंगे मोमोज की फिलिंग के लिए, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आप भी चीज़ शामिल कर सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा ये। तो इस तरह हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। तो हम लोग पहले बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे, इस पेड़े को हम पहले थोड़ा लंबा कर लेंगे। इसको कट कर लेंगे हम इस पेड़ को बराबर साइज से। ये कटिंग कर लिए हमने मोमोज के लिए, इसको अलग करके रख लेंगे। सब पे थोड़ा मैदे की डस्टिंग करेंगे ताकि जो है आपस में जिसे चिपके ना। अब इसे हम हल्का सा भीग लेंगे। बस इतना ही बड़ा सा बेलना है। सही है, अब इसमें मोमोज़ की जो फिलिंग होती है वो शामिल करेंगे, मगर मेक श्योर रहें कि आपकी फिलिंग जो है ठंडी हो चुकी हो। इसमें थोड़ी हम फिलिंग डालेंगे एक चम्मच के हिसाब से, ताकि हर किसी में बराबर से जाए। दो चम्मच डाल लेते हैं इसमें। थोड़ी सी चीज़ डालेंगे जो हमने आपके सामने क्रश की थी। अब इसको फोल्डिंग का तरीका है, इसके लिए फोल्ड करना है तो साइडों से थोड़ा सा हम हाथ गीला करके साइडों को गीला कर लेंगे। और अब इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे, फिर ऐसे, बहुत सारे तरीके होते हैं मोमोज बनाने के, तो आप जिस तरीके को आपको जो इजी लगे फोल्ड करने का तरीका उस तरीके से फोल्ड कीजिए। अब हम इसमें जो है थोड़ी सी चीज़ डालेंगे, थोड़ी शुरू में एक चम्मच हम जो है फिलिंग डालेंगे, फिर ऊपर से थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। अब इसको हमें बंद करना है तो थोड़ा सा हम साइडों पे पानी लगा देंगे। और इस तरीके से हम इसको बंद करते जाएंगे। और इस तरीके से हमारे सारे मोमोज तैयार होते जाएंगे। एक दफ़ा दोबारा देख लें, हमें 3 इंच का पेड़ा बेलना है। 3 इंच का बेलने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ रखेंगे और फिर थोड़ा सा हम इस पर फिलिंग डालेंगे। सही है, सिर्फ एक चम्मच फिलिंग, ज़्यादा फिलिंग हो जाएगी तो मोमोज हमारे फट सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम दोबारा इस पर चीज़ रखेंगे,
फिलिंग के ऊपर, और अब हम इस पर जो है पानी लगाएंगे साइडों से और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने का मेथड बहुत ही इजी है, देखा इस तरह से यूँ फिर यूँ यूँ, बहुत इजीली हो जाएगा। बस दो तीन दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजीली आपका फोल्ड हो जाएगा। और को फिर आप इस तरह से यूँ यूँ करके को नीचे की तरफ दबा देंगे तो ऐसे मोमोज आपके रेडी हो जाएंगे। तो ये ऐसे मोमोज रेडी हो जाएंगे। एक तरीका दूसरा वाला इस तरह से है, आप इस पे चीज़ डालें और मोमोज की फिलिंग डालें एक चम्मच, फिर इस पे चीज़ डालें और आप इसको पानी लगाएं। और अब जो है इसको हम इस तरह से उठाएंगे फिर इसको इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से भी मोमोज तैयार किए जा सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ही, बहुत इजी सा होता है ये, आप इस तरह से बनाएं बहुत इजीली बन जाएगा ये आपसे। हमारे मोमोज बन गए हैं, थोड़े से रेडी हैं, थोड़े से बाद में रेडी करेंगे। तो हमने स्टीम के लिए जो पानी चढ़ाया था उसके हम ये जाली रखेंगे। आपके पास कोई भी जाली हो आप इससे जाली रख सकते हैं। और वैसे तो स्टीम के लिए मोमोज के लिए मिलती हैं पतीलियाँ, अगर अवेलेबल ना हो तो आप इस तरीके से इसको स्टीम कर लीजिएगा ताकि आपके मोमोज चिपके ना। अब हम इसमें मोमोज रखेंगे। मोमोज हमने जाली पर रख दिए हैं, फिर भी ऑयलिंग कर लेंगे। पतीली का पानी बॉयल हो गया है, इसमें हम जाली रख देंगे। अब इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, 20 से 25 मिनट देंगे इसको, ये रेडी हो जाएगा। तो ये हम ढक देंगे इसको 20 से 25 मिनट। एक मोमो जिस तरीके से बनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी फिलिंग लेंगे, पानी से थोड़ा इसको गीला करेंगे। अब इसको जैसे डी वाले जो मिलते हैं समोसे उस टाइप का बनाएंगे, इसको यू लेंगे और इसको यू बंद कर देंगे और ये हमारे ज़बरदस्त से मोमोज और बहुत इजी से तैयार हो जाएंगे। देखिए ऐसे मोमोज भी बनते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, बहुत इजी है ये। सही है, एक दफ़ा दोबारा देख लें। यहाँ पे भी पानी लगाएंगे फोल्ड करके, ये तो जबरदस्त है हमारे मोमोज रेडी।
इस स्टाइल में भी बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होगी, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखें। तो हम जो है यहाँ से कट लगाएंगे, अब जो है इसको हम फोल्ड करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा पानी लगाएंगे, सब पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसको हम इसको यूं करके फोल्ड करेंगे। इसको यूं एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, फिर ये वाला रखेंगे, फिर ये वाला रखेंगे, फिर ये और ये हमारा तैयार हो जाएगा फिश मोमोज। यहाँ से थोड़ा सा पानी लगाएंगे, बहुत इजी है और बहुत यूनिक बना रही हूँ मैं ये, सही है। आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। ये आपको लग रहा है स्टफिंग गिर जाएगी, स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे अच्छी खासी ये जो है फिलिंग के मसालेदार बच चुके हैं, अब हम बाद में मैक्रोनी में इस्तेमाल करेंगे, तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये मैक्रोनी में इस्तेमाल होगा बाद में।